बहुत दिनों बाद किताब नगरी में आपके साथ बातचीत करने का मौका मिला है अभी मैं रिसेंटली भारत के दौरा में था तो मेरी कुछ किताबें वहाँ से पब्लिश हुई एक तो ये अल पाकिस्तान है जो उर्दू में और हिंदी में पब्लिश हुई और इंग्लिश में भी जल्द पब्लिश होगी और दूसरी मेरी वो जो रंग महल किताब थी उसका हिंदी में एक एडिशन पब्लिश हुआ था और फिर नया एडिशन पब्लिश हुआ है गरुदा प्रकाशन से आ, इस टाइटल के साथ तहजीबी रंजिशें और अलबाकिस्तान पब्लिश हुई है कोतीलिया बुक से तो इसके अलावा मेरी बहुत सारी किताबें जो नावल हैं इनफैक्ट वो इस वक्त पब्लिशिंग के प्रोसेस में हैं एक तो कोविड के दिनों का मल्टी और उसके साथ साथ एक नामकम्ल ज़िंदगी और मैं इन्हीं दिनों दो और नावलट भी लिख रहा हूँ तो मेरा जी चाह कि आज की किताब नगरी में मैं जो नावल्स की सूरत में लिख रहा हूँ उसमें जो डिफरेंट टेक्निक्स बरत रहा हूँ उसके कॉन्टेक्स में जो फिक्शन लिखने या पढ़ने में दिलचस्पी रखते हैं उनको मैं कुछ टिप्स भी दूँ और कुछ रेफरेंसेस भी दूँ अब टिप्स में एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है फ़िक्शन लिखने के कॉन्टेक्स में हमारे उर्दू पंजाबी हिंदी में Uh, चाहे शॉर्ट स्टोरीज़ लिखने का मामला हो चाहे नावल लिखने की बात हो तो हम बड़े कन्वेंशनल हैं हम उसमें प्लॉट, करैक्टर्स और उस कॉन्टेक्स्ट में बहुत ज़्यादा हम कन्वेंशनल हैं उस वजह से आ, हम जो आज का जो मॉडर्न फिक्शन है उसको टाइम मिस कर जाते हैं उसकी सेंसिबिलिटीज़ को मिस कर जाते हैं और हमारे जो अपने हिंदी के लिखने वाले आज के कंटेम्प्रेरी प्रिसाइजली जो मॉडर्न राइटर्स हैं उनमें से बहुत से वो भी मिस कर जाते हैं मगर बहुत से ऐसे भी हैं जो बिल्कुल मॉडर्न स्टाइल में लिख रहे हैं पहले मैं उनसे बातचीत शुरू करता हूँ अब देखिए ये एक नावल दीप्ति कपूर जी का है एज ऑफ वॉइस काफ़ी पॉपुलर है ये ऑडिबल पर भी सुना जा सकता है और किताबी सूरत में भी है इंटरेस्टिंगली मैं जब फेबररी में इंडिया में था तो मैंने कई बुक स्टोर्स पर इसको ढूंढा। मुझे ये नावल वहाँ पे ना मिला इसको मैंने ऑडिबल पर सुना और फिर मुझे वापस जब मैं कैनेडा आया तो यहाँ हमारा कैनेडा का जो इंडिगो है आ, बुक शॉप वहाँ पे एक शेल्फ है स्टाफ पिक ऑफ द मंथ वहाँ से ये मुझे किताब सेल में मिली यानी भारत में मुझे एक भारतीय राइटर जो रहती स्पेन में है इनकी किताब मुझे भारत से नहीं मिल सकी शायद मैं ज़्यादा अगर बुक स्टोर देखता तो शायद मिल जाती जो मैंने चार छः बुक स्टोर देखे उनमें तो मुझे ये किताब ना मिली लेकिन ये कैनेडा में मैंने उसको ढूंढा भी नहीं मैं ऐसे ही कुछ और किताबें देख रहा था तो ये इंडिगो के बुक शेल्फ पर पढ़ी हुई मिल गई इसी तरह हमारे एशवंत सागी जी हैं या अमीश त्रिपाठी हैं इनकी बुक्स बहुत पॉपुलर हैं आप इनकी अगर किताबें पढ़ें ज़्यादातर ज़्यादातर इंग्लिश में हैं और शायद कुछ हिंदी में भी हों बल्कि एशवंत सांगी जी की तो मैंने एक किताब सबसे पहले हिंदी में ऑडिबल पर सुनी थी कृष्णा कुंजी बाद में शायद वो इंग्लिश में भी अवेलेबल थी खैर ये जो तीनों राइटर्स हैं दीप्ति कपूर एशवंत संगी एमश त्रिपाठी आप इनकी किताबें पढ़ें तो ये इनमें एक मॉडर्न स्टाइल है और ये ख़ास तौर पर एशवंत सांगी और अमिश त्रिपाठी जो हमारी आ, लोक दास्तान है भारत की ख़ास तौर पर हिंदू सिविलाइजेशन की जो आ, हमारे पास हिस्ट्री है उसको भी इसमें आ, लिखते हैं जैसे मुझे याद है एशवंत सांगी जी की किताब सियालकोट सागा सियालकोट सागा में उन्होंने जो चीन के साथ भारत के जो इश्यूज़ हैं बॉर्डर इश्यूज़ हैं और इंटरनेशनल जो हैं उस पर बहुत बढ़िया वो किताब है वैसे वायदा कोर्ट सागर से ही लगता है कि शायद ये पाकिस्तान के बारे में होगी उसमें वो भी कुछ करैक्टर हैं लेकिन ज़्यादा जो उस पर एम्फेस है जो ज़्यादा उस पर रोशनी है वो उनकी चाइना के साथ जो हैं भारत के उस कॉन्टेक्ट में है बहरहाल जो मैं ख़ास बात आज करना चाहता हूँ दीप्ति कपूर जी की किताबें हों शवंत सांगी की हों आमिश त्रिपाठी की हों ये एक मॉडर्न राइटिंग स्टाइल भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं भारत में और इसके साथ साथ ये जो एक कन्वेंशनल स्टाइल है कहानी लिखने का नावल लिखने का उसको भी साममल्टेनियसली अपनी तहरीरों में बरत रहे हैं तो मैं अपने जो लेखक हैं जो नए बनने वाले लेखक हैं जो उर्दू हिंदी या, या इवन इंग्लिश या पंजाबी में लिखते हैं लेकिन वो साउथ एशिया से तल्लक रखते हैं चाहे वो भारत पाकिस्तान में लिखने वाले हों या वो वर्ल्ड वाइड कहीं बसते हों तो मैं ज़रूर उनको मशवरा दूँगा कि अगर वो टिप्स जैसा मैं कह रहा हूँ मैं आज कन्वेन्शनल टिप्स नहीं दे रहा मैं सिर्फ रेफरेंसेज दे रहा हूँ और उन रेफरेंसेस में कुछ टिप्स भी आ जाएँ तो वो एक अलग बात है लेकिन रेफरेंसेस इन लोगों की किताबें हैं जिनके मैं नाम ले रहा हूँ अगर आप इनकी किताबें पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरह कन्वेंशनल स्टाइल को बरतते हुए मॉडर्न जो लुक है वो कहानियों को नावलों को दी जा सकती है यही काम मैंने आ, अपनी किताबों में किया अलबाकिस्तान हो या तहज़ीबी रंजिशें हों जो पहले रंग महल के नाम से छपा या आने वाले जो नावल हैं कोविड के दिनों का मल्टी कल्चरलिज़म एक नामुकम्ल ज़िंदगी या फिर कुछ अभी दो नावल में ऐसे लिख रहा हूँ जिसका नाम भी मेरे जहन में अभी नहीं आया तो वो भी धीरे धीरे चल रहे हैं मैंने भारतीय राइटर्स के कुछ रेफरेंस दिए जो बहुत कंटेम्प्रेरी और मॉडर्न राइटर्स हैं लेकिन एक मेरा टिप है अपने तमाम लिखने वाले दोस्तों के लिए जो नए हैं जो हमसे नए हैं और या जो लिखना चाहते हैं या जिनको पढ़ने का बहुत शौक है जो कहानी का एक पुराना स्टाइल है उसको किस तरह कुछ यूरोपियन राइटर्स ने चेंज किया और उसमें नई जान डाली मैं इस कॉन्टेक्स्ट में तीन राइटर्स के नाम आपके सामने पेश करूंगा और थोड़ा सा मैं उन पर बात भी करूंगा और तीनों का तल्लक अब फ्रांस से है एक तो अभी जिनको फ्रांस में नोबल प्राइज मिला है एनी एग्नो लिखने में ये एनी और नॉक्स हैं फ्रेंच लैंग्वेज में एक्स जो होता है वो साइलेंट है तो इनको एनी अर्नो भी प्रोनन्शिएट किया जाता है एनी एगनो भी प्रोनन्शिएट किया जाता है ये प्रोनन्शिएशन मैंने गूगल से आ, सुनी और आपके साथ एज इट इज़ शेयर कर रहा हूँ इनके बहुत सारे नावल हैं जो फ्रेंच में ऑफ़ कोर्स पब्लिश हो चुके हैं हम तो या तो हिंदी उर्दू या इंग्लिश की ट्रांसलेशन में पढ़ सकते हैं तो इंग्लिश ट्रांसलेशन में द ईयर्स यानी साल बहुत सारे साल इनका ये नावल बड़ा ही इंटरेस्टिंग नावल है और इसमें ये एक सॉर्ट ऑफ ऑटोबायोग्राफी है और इसमें जो ये इस तरह देखती हैं दुनिया को कि जितने साल ये अब तक जिए हैं इनकी एज सेवेंटी uh, प्लस uh, है इनको नोबल प्राइज़ बाय द वे ट्वेंटी ट्वेंटी टू का मिला है और एनी एरनो जो हैं ये जो अब तक की जो इन्होंने ज़िंदगी गुजारी है उसको मुख्तलिफ़ लेंजेस से इन्होंने देखा है और ये नावल बिल्कुल डिफरेंट टेक्निक में भी है वही काम जो शायद आशविन सांगी करते हैं या दीप्ति कपूर भी किसी हद तक करती हैं अमित एस त्रिपाती करते हैं, हैं। खैर वो तो इंडियन कॉन्टेक्स में करते हैं ये बहुत इंटरनेशनल लेवल पर ये, ये राइटर करती हैं तो आप इनकी किताबें ज़रूर पढ़िए बहुत सारी इनकी किताबें हैं फेमिनिज़म की जो यूरोप की तहरीक है उससे भी वाबस्ता हैं बहुत बोल्ड राइटर हैं और मैं ये समझता हूँ कि नए लिखने वाले और पढ़ने का शौक़ रखने वाले हमारे जो सब कॉन्टिनेंट के लोग हैं उनके लिए इनकी किताबें बिल्कुल एक आ, डिफरेंट फ्लेवर की किताबें और ज़रूर इनकी किताबें पढ़िए द ईयर्स मुझे ख़ास तौर पर बहुत पसंद आई हैपनिंग है और इस तरह इनकी बहुत सारी और किताबें भी हैं और ऑफ़ कोर्स इनकी दर्जनों आ, दो दर्जन से ज़्यादा किताबें लिस्ट जो है उनकी मैंने तो गूगल पे देखी जो फ्रेंच में ही है और बहुत सारे आर्टिकल्स हैं इनके पर फ्रांस के ही एक और राइटर मिशेल हॉलीबैक मैं आ, दावा नहीं करता कि मैं इनका नाम ठीक ले रहा हूँ मिशेल uh, मैंने जब पढ़ा नाम तो मैं समझा ये माइकल है लेकिन जब मैंने गूगल में प्रोनाशिएशन इनका देखा तो फ्रेंच में होने की वजह से मिशेल होली बैक ये बहुत ही बोल्ड राइटर हैं और 2022 में इनके बारे में कहा जा रहा था कि शायद इनको नोबल प्राइज़ मिल जाए ये एक तरह से जो पोटेंशियल नोबल प्राइज़ विनर्स थे उनमें से एक समझे जाते थे और कोई पता नहीं ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री में उसे अगले साल इनको नोबल प्राइज मिल जाए बहरहाल इनके जो दो नावल मैंने इंग्लिश ट्रांसलेशन में पढ़े एक तो यह है द एलिमेंट्री पार्टिकल्स और दूसरा है सबमिशन अब सबमिशन पे इन पर मुकदमा भी हुआ फ्रांस की बहुत सारी इस्लामी ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर इनके खिलाफ मुकदमा किया इनको कोर्ट में लेकर गए तो वहाँ पे जज ने इनको बरी कर दिया जज ने कहा कि बिल्कुल आप फ्री हैं यू आर फ्री टू गो ये जितने एतराज़ाद हैं मैं इनको नहीं मानता वो इनको इस्लामोफोबिया के चक्कर में रेसिस्ट बनाने के चक्कर में लेकर गए थे क्योंकि सबमिशन नावल में आ, जो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं वो वो करैक्टर्स हैं उसके साथ साथ जो फ्रांस का पॉलिटिकल सिनेरियो है वो चल रहा है और उसमें इस नावल सबमिशन में वो ये बताते हैं एक फ़िक्शनल ऑफ कोर्स कंसेप्शन है शायद फ़्रांस में अल्टीमेटली एक इस्लामी गवर्नमेंट बन जाएगी वो बहुत बड़ा ख़तरा होगी वेस्टर्नर सिविलाइजेशन के लिए तो बहरहाल uh, ये नावल वैसे इंटरेस्टिंग है मैं इस कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना चाहता कि वो ऑर्गेनाइजेशन uh, uh, का क्या क्लेम है और ये क्या लिखते हैं लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि ये एक फ़िक्शन है और यही बात उन्होंने कोर्ट में की कि मैं मैंने फिक्शन लिखा है अब इस पे वो जो पॉलिटिकल डिबेट्स हैं या जो रिलीजियस डिबेट्स हैं वो जो ये डिबेट्स करते हैं वो जाने उनका काम जाने मैं भी ये डिबेट्स करता हूँ लेकिन आज मेरी डिबेट सिर्फ लिटरेचर के हवाले से है और लिटरेचर के कॉन्टेक्स्ट में बड़ी इंटरेस्टिंग किताब है जो इन्होंने लिखी सबमिशन और फिर मैं अब उनकी वो जो दूसरी किताब भी आपको दिखा रहा था द एलिमेंट्री पार्टिकल्स ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट किताब है ये दोनों किताबें मैं ज़रूर उन नए लिखने वाले दोस्तों को कहूँगा कि आप पढ़ें ताकि आप फिक्शन के जो बहुत मॉडर्न स्टाइल्स हैं उनको समझें सीखें और फिर अपने मॉडर्न स्टाइल्स निकालें ऐसा नहीं है कि जो इन्होंने मॉडर्न स्टाइल्स बरते हैं आप उनको बरतें आप इनसे सीखें और उनकी बुनियाद पर फिर आप अपने मॉडर्न स्टाइल निकालें जो बहुत ज़्यादा पढ़ने का शौक़ रखते हैं उनके लिए चाहे ये मिशेल हॉलीबैक हों चाहे ये आ, एनी अर्नो हैं इनकी किताबें पढ़ना बहुत इम्पॉटेंट है अगर आपने नहीं पढ़ी अब मैं एक ऐसे राइटर का नाम लेना चाहता हूँ आखिर में जो बहुत वर्ल्ड वाइड जाने जाते हैं और आ, उनकी उम्र इस वक्त 94 इयर्स है उनका नाम मिलान कोडेरा है जो चेको उस वक्त का था उसमें पैदा हुए चेक रिपब्लिक जो है उससे उनका ताल्लुक है और फ्रांस में रह रहे हैं 1975 से पहले जब सोवियत यूनियन का चेक रिपब्लिक हिस्सा होता था तो उनके बारे कहा जाता है वो उस सोवियत यानी कम्युनिस्ट तहरीक से भी वाबस्ता हुए मैं उनको ब्लेम नहीं करता कि वो क्यों कम्युनिस्ट बने वो ज़माना ही ऐसा था हम भी अपने बचपन में कम्युनिस्ट ख़याल के होते थे चूँकि हमें एक फैसिनेशन होती थी एक नई आइडियोलॉजी की बाद में जब सीखा और पता चला कि इसमें कितना मैस है तो उससे भी सीखा बहरहाल कम्युनिज़म के मैं बहुत एंटायरली खिलाफ नहीं हूँ एक आइडियोलॉजी थी अपने वक्त की और उस आइडियोलॉजी से बहुत ज़्यादा राइटर्स इन्फ्लुंस थे लेकिन फिर धीरे धीरे वो आइडियोलॉजी थी वो जब खुली फिर अंदाज़ा हुआ कि उसमें भी कितने फ्लॉस थे और फिर प्रैक्टिकली वो नाकाम होती चली गई अब वो एक नाकाम आइडियोलॉजी के तौर पर दुनिया के सामने आया हो सकता है आइडियोलॉजी इट नाकाम ना हो मगर उसकी जो मैनिफेस्टेशन हुई या उसकी जो एग्ज़ीक्यूशन हुई वो बहरहाल ज़रूर नाकाम हो गई इसमें कोई शक वाली बात नहीं एक ज़माना था कि शायद उससे कुछ फ़ायदे भी हुए जहाँ पर बहुत सारे नुकसान हुए लेकिन ये एक अलग डिबेट है इसके बावजूद ये डिबेट मिलान कुंडेरा के नावलों में बहुत नज़र आती है मिलान कुंडेरा के भी बहुत सारे नावल हैं शायद एक दर्जन के करीब नावल हैं मेरे पास इस वक्त जो मेज़ में पड़े हुए हैं पाँच छः नावल पड़े हुए हैं मिलान कुंडेरा का एक जो रीसेंट नावल आया है द फेस्टिवल ऑफ़ इनसिग्निफिकेंस ये बहुत मुख्तर नावल है ये शायद दो हज़ार पंद्रह सोलह में पब्लिश हुआ है तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि आ, अगर अभी पब्लिश हुआ है तो उन्होंने दस बारह साल पहले लिखा होगा तब उनकी उम्र अस्सी साल होगी और इस नावल में उन्होंने एक करैक्टर है पर, आ, कैलिबन गबन उसका नाम है उस कैलिबन ने कुछ तकरीबन फिफ्टी पेजेस के बीच अपनी कहानी के दौरान ये कहा कि मैं पाकिस्तानी लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे बहुत वो हेलेरियस लगा क्योंकि ये नावल ऑडिबल पर मौजूद नहीं है मैंने उसको पढ़ा है तो मुझे वो बहुत हेलेरियस लगा कि भाई पाकिस्तानी लैंग्वेज कौन है यानी वो पाकिस्तानी लैंग्वेज कौन सी है पाकिस्तान में उर्दू स्टेट लैंग्वेज के तौर पर इस्तेमाल होती है बाकी जो कवियतें हैं पंजाबी पश्तो बलोची सिंधी आ, बोलते हैं तो वो पाकिस्तानी लैंग्वेज कौन है वो वो पाकिस्तानी लैंग्वेज कौन सी है एनी हाउ ये नावल मुझे कोई बहुत अपील तो नहीं किया बहुत मुख्तर नावल है और इसमें कोई बहुत डेप्थ नहीं मुझे नज़र आई जो मिलान कुंडेरा का खासा है लेकिन हमने इसको एक गिफ्ट के तौर पर इसलिए लिया कि मिलान कुंडेरा का नया नावल आया अच्छा इंटरेस्टिंगली मैं ये कहूँगा कि मिलान कुंडेरा के जो पुराने नावल हैं जैसे जोक शायद उनका पहला नावल था जोक प्रॉब्ली 1960 प्लस में उन्होंने लिखा था वो आज भी हमें मॉडर्न लगता है वो इतना ज़्यादा रेलिवेंट है अभी आ, मिलान कुंडेरा का आ, शायद 2000 हज़ार समथिंग में ये एक नावल पब्लिश हुआ था इमोरेली मेरे नज़दीक मेरी पसंद चलिए कह लीजिए के मुताबिक ये नावल बेतहाशा उमदा नावल इस नावल में उन्होंने जितने तजर्बे किए हैं नावल लिखने के नावल को नरेट करने के वो मैं कहूँगा कि जो लिखना चाहते हैं और इवन जो लिख रहे हैं इवन जो बहुत सीजन लिखने वाले हैं उनको ये नावल अगर नहीं पढ़ा तो वो पढ़ लें उनको अंदाजा होगा कि लिखने के कितने क्रिएटिव स्टाइल हो सकते हैं बहरहाल मिलान कुंडेरा का ये नावल इमोरिएलिटी मेरी जो पसंदीदगी की तहरीरें हैं जो किताबें हैं उनमें सिर्फ मिलान कुंडेरा की किताबों में नहीं जो वर्ल्ड वाइड किताबें हैं उनमें भी वन ऑफ द टॉप टेन आता है इसमें कोई शक वाली बात नहीं अच्छा मिलान कुंडेरा का एक और नावल जो आपने शायद फिल्म की सूरत में भी देखा हो वो भी यहाँ पे है दियरेबल लाइटनेस ऑफ बींग बिलाशुबह इमोरेटी के बाद मैं मिलान कुंडेरा का ये जो नावल है उसको दूसरे नंबर पर रखता हूँ ये भी बहुत उमदा नावल है अच्छा आपको यहाँ टाइटल्स देख के अंदाज़ा हो रहा होगा कि इनकी किताबों के जो स्केचेस हैं वो बहुत मिलते जुलते हैं आप देख लीजिए आइडेंटिटी हो इग्नोरेंस हो आ, ये सिर्फ मिलान कुंडेरा का ये जो नावल है इसका भी स्केच वही है लेकिन ये येलो कलर में है अदरवाइज़ वाइट में ज़्यादातर इनके हैं स्केचेस और राइटिंग का स्टाइल भी इनके यहाँ बहुत डिफरेंट है मिलान कुंडेरा को आप जरूर पढ़िए अब चूंकि मिलान कुंडेरा कह रहे हैं 1975 से वो कह रहे हैं कि मुझे अब फ्रेंच राइटर के तौर पर लें वो कह रहे हैं कि मैंने कम्युनिज्म कम्यूनिज्म से मैंने बहुत फेडअप हुआ अपनी तहरीरों में वो भी बात करते हैं वो कहते हैं जी मैं अब फ्रेंच राइटर ही हूँ बहर मिलान कुंडेरा के बारे में आ, ये कहा जाता है कुछ कहते हैं और मैं उस पर बिलीव करता हूँ अगर मिलान कुंडेरा को नोबल प्राइज़ मिले तो इसमें नोबल प्राइज़ की डिग्निटी में इजाफा होगा चूँकि यही बात गलबन मैक्सिम गोरकी के बारे किसी ने कही थी कि अगर गोरकी को नोबल प्राइज़ मिला तो ये नोबल प्राइज़ में इज़्ज़त बढ़ेगी वो उनको मिला नहीं बहुत सारे ऐसे नोबल प्राइज़ राइटर्स हैं जिनका नाम भी आपको और मुझे पता नहीं हो। लेकिन बहुत सारे ऐसे राइटर हैं मैक्सम गोरकी हो मिलान कुंडेरा हो इनको नोबल प्राइज़ ना भी मिले तो ये पूरी दुनिया में जाने जाते हैं मिलान कुंडेरा अभी जिंदा हैं 94 फोर ईयर्स के हैं और गल इसी महीने अप्रैल में ही उनकी बर्थडे थी और अगर इस साल 2023 में हमारी तो दुआ है कि वो और कई साल जिए अगर इस साल उनको नोबल प्राइज़ मिल जाता है अगले साल मिल जाता है तो नोबल प्राइज़ की इज़्ज़त में इजाफ़ा ही होगा कमी नहीं होगी लेकिन मिलान कुंडेरा बहरहाल अपने आप को अब फ्रेंच राइटर कहते हैं और इसी हवाले से वो आ, अपनी पहचान करवाते हैं तो आज मैंने तीन जो आइकॉनिक मॉडर्न फ्रेंच राइटर्स हैं एनी अर्नो मिशेल होलीबैक और मिलान कुंडेरा का जिक्र किया इनकी किताबें रेफरेंस के तौर पर पे पेश की इनकी किताबें नए लिखने वालों के लिए हत्या के पुराने लिखने वालों के लिए राह है मैं आपको सच्ची बात बताऊं मत यानी मुझे लिखते हुए फिक्शन आपको तीस साल से ज़्यादा हो गए हैं बहुत सारी मेरी किताबें छपी हैं रिसेंटली मैंने अपनी किताबों पर ज़्यादा तोज्जो देना शुरू की मैं अब अपनी पुरानी किताबों को नई किताबों को बेहतर तरीके से आपके सामने लाऊँगा लेकिन जब मैं मिलान कुंडेरा एनी अर्नो मिशल होलीबैक इन लोगों को ख़ास तौर पर पढ़ता हूँ तो मुझे एहसास होता है कि नई जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं वो मुझे अपनी इवॉल्व करनी चाहिए इनसे सीखना चाहिए लेकिन इनके लिखने के अंदाज़ पे मक्खी पे मक्खी मारने से मुझे भी कोई फ़ायदा नहीं होगा किसी को भी कोई फायदा नहीं होता राइटर पोइट ट्रू क्रिएटर वही होता है जो पुराने लिखे हुए पुराने क्रिएटिव काम से सीखे मगर अपना क्रिएटिव अंदाज लेकर आए अगर वो अपना क्रिएटिव अंदाज लेकर नहीं आता या लेकर नहीं आती तब तक उनकी कोई जगह नहीं बनती क्योंकि मक्खी पे मक्खी मारने से कुछ हासिल नहीं होता तो यही मेरी आज की टिप्स हैं यही मेरा आज का पैगाम है और यही मेरे आज के रेफरेंसेस थे जो मैंने कुछ किताबों की सूरत में आपको दिए अब मैं चलते चलते अलबाकिस्तान में जो मैंने तजर्बा किया वो आप ज़रूर पढ़िए पाकिस्तानी और पाकिस्तानियों का जो एक आइडेंटिटी क्राइसिस का इशू है उसको मैंने इस किताब में डिफ़रेंट टेक्निक्स के साथ बयान किया आप उस टेक्निक को हिंदी उर्दू में ज़रूर पढ़िए बहुत जल्द ये ऑडिबल में भी किताब अवेलेबल होगी जो मेरे वेबसाइट ताहिर गोरा डॉट और मेरा जो यूट्यूब का पर्सनल चैनल है ताहिर गोरा यूट्यूब का चैनल उस पर भी वो होगा अवेलेबल जो इसका ऑडिबल एडिशन होगा इसके साथ साथ तहजीबी रंजिशें का तो ऑलरेडी वहाँ पे है रंग महल के नाम से वो ऑलरेडी वहाँ पे आ, उसका ऑडिबल एडिशन लगा हुआ है जो आने वाली नई किताबें हैं उनके भी ऑडिबल एडिशन वहाँ पे चले जाएंगे मैं इन सब किताबों में किसी प्लानिंग के नतीजा में एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहा मैं उनके एक्सपेरिमेंट जो हैं स्पॉन्टेनियस बेसिस पे कर रहा हूँ और खुद ब खुद होते चले जा रहे हैं अब वो कितने कामयाब होते हैं कितने आपके पढ़ने के लायक बनते हैं कितने मुझे पसंद आते हैं या मैं बाद में उनको कितना रिजेक्ट कर देता हूँ ये तो बात की बात है लेकिन मैं भी ये तजर्बे कर रहा हूँ और नए फिक्शन में ख़ास तौर पर उर्दू हिंदी या इवन इंग्लिश के जो आ, सब कॉन्टेक्ट में लिखे गए फिक्शन के जो तजर्बे हैं वो होने चाहिए क्रिएटिव लेवल पे होने चाहिए और इंटरनेशनल जो एक पूरे का पूरा सिनेरियो है उसके साथ भी जुड़े होने चाहिए अब लिटरेचर में ये कहना कि होने चाहिए होने चाहिए ये खुद एक इर बात है चूंकि होना चाहना जो है वो एक फोर्स किस्म का अमल होता है लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने अनकॉन्शियस में उसको आगे लेकर ज़रूर चलते हैं तो आज की जो बातचीत मैंने शुरू की थी कि मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करना चाहता हूँ कुछ रेफरेंसेस शेयर करना चाहता हूँ और वो मैंने आज आपके साथ किए बहुत दिनों बाद किताब नगरी के शो में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ आने वाले दिनों में मैं ये शोज़ और करूँगा और कोशिश होगी कि मैं ये शोज़ ज़्यादा से ज़्यादा करूँ और भी बहुत सारे साथियों को अपने साथ एंगेज करूँ ताकि जो हमारा भारत पाकिस्तान का लिटरेचर है भले से वो किसी ज़ुबान में लिखा हो मुझे ये पता है कि भारत की साउथ की जो ज़ुबान है उनमें बहुत अच्छा फिक्शन लिखा जा रहा है कुछ इंग्लिश में मैं पढ़ रहा हूँ उस पर भी मैं आने वाले दिनों में कमेंट्री करूँगा लेकिन चाहे भारत का नॉर्थ हो मैं पाकिस्तान को भी भारत का नॉर्थ ही समझता हूँ क्योंकि सिविलाइजेशन के लेवल पे मैं चीज़ों को देख रहा हूँ पॉलिटिकल लेवल पे चीज़ों को किताब नगरी में मैं कम देखता हूँ बाकी दूसरे शोज में ज्यादा देखता हूँ तो बहरहाल ये जो लिटरेचर का हमारा अंदाज है उस पर मैं मजीद शोज लेकर सामने आऊंगा और मेरी जो इनडायरेक्ट टिप्स हैं और जो डायरेक्ट रेफरेंसेस हैं उनको नए पढ़ने वाले और नए लिखने वाले जरूर तोजो दें आपके साथ बातचीत होती रहेगी किताब नगरी में आने वाले दिनों में